अभी आप 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस एक मिनट, इसको मैं बोलता हूं वन मिनट, इस देश में किसी से संबंध खराब करना उसको पैसा उधार, ये आपका भविष्य निर्धारित करेगा। क्यों, मैं जो आपको समझा रहा था कि ध्यान क्या है, ध्यान जो जागृत व्यक्ति है ध्यान, तो दोनों विचार उठेंगे सर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मुझे 1000 रुपए उधार दे रखे हैं, 1 लाख मान लो, और आपने मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया। अब एक विचार आएगा पॉजिटिव कि बेचारे का फोन खराब होगा, तो वो विचार, और दूसरा विचार आएगा कि देखो देखो पैतरा दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। और दोनों विचार हैं, एक विचार आने से आपको फायदा, मुझे फायदा नहीं है, आपको फायदा, आप प्रसन्न है कि नहीं नहीं बेचारे का फोन खराब होगा, आवाज नहीं सुन पा रहा होगा, या हो सकता है लूज मोशन शुरू हो गया हो, बाथरूम में बैठा हो, इससे आप ही को फायदा होगा। और नेगेटिव विचार आ गया कि देखो डील कर रहा है, इससे आपको नुकसान होगा। विचार या तो आपको फायदा देगा या नुकसान देगा। वो जो आदमी ने आपका पैसा ले रखा है ना, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई कुछ लोग मदद भी करते हैं और परेशानी भी खरीदते हैं। आपका कोई रिश्तेदार आया 50,000 रुपए ले गया कि यार बेटे की शादी, भाई दे दो, आपने दे दिया, उसने कहा 6 महीने में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे, आपने ये नहीं पूछा कि दिसंबर 20 की 21 कि 22, उसने कहा नहीं दिसंबर में दे देंगे। जब भी किसी को पैसा दे उससे डेट और टाइम, साल, डेट और साल दोनों कंफर्म कर ले। कोई लोग महीना बता जाते हैं कि भैया वह दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में दे देंगे। अब ये थोड़ी कहें 2021 में देंगे, कहेंगे दिसंबर कहे थे। इस देश में किसी से संबंध खराब करना उसको पैसा उधार दे दो। 80% लोग टाइम पर पैसा देते ही नहीं, 80। और जब तुम उनको फोन मिलाओगे वो खुद ही फोन उठा के बोलेंगे दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर सड़क पे मिल गए, आपने कहा कि यार तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके भागे जा रहे हैं। अरे भागे नहीं जा रहे हो तो टाइम दियो तो बताओ, दो 50,000 रुपए लेके तकादा कर रहे हो, चौधरी के घर से है तो चौधरी के घर से हो तो उधार लिए ही क्यों भाई। पान का जो बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, आपने वहां 4,000 रुपए का पान खा लिया, सिगरेट पी ली, और वो बेचारा किसी दिन पूछ रहा है, उसको आप दो डंडा घुमा के मार रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ये बड़ा अपराध है।